ये नौजवान लड़के और लड़कियां शीमा किरमानी के क्लासिकल म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और शीमा किरमानी ने पाकिस्तान में इस फन को जिंदा रखने में नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के बड़े घरानों में आज भी क्लासिकल म्यूजिक और डांस को बड़ी अहमियत दी जाती है। रक्स जिंदगी है और जिंदगी रक्स है। इंसान की पैदाइश से लेकर इख्तिताम तक इंसान हरकत में रहता है और यूं जिंदगी का ये क्लासिकल रक्स लम्हा बलम्हा जारी रहता है। लिहाजा रक्स को इंसान की जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। एक लंबा अरसा था पाकिस्तान में जब क्लासिकल डांस तकरीबन ऐसा दिख रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब बैन लगा ख़ास तौर से तो देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड जबकि कोई भी क्लासिकल डांसर सवाई मेरे पाकिस्तान में नहीं रहा था। एंड आई फील क्वाइट प्राउड टू से कि 10-12 साल जो मार्शल लॉ गवर्नमेंट के गुजरे हैं, आई वॉज दी ओनली पर्सन परफॉर्मिंग और उस ज़माने में आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस। कभी इस फन को मुगल बादशाहों की सरपरस्ती हासिल थी। अनारकली जैसी रकासाओं ने क्लासिकल रक्स की बदौलत बादशाहों के दिलों पर हुकूमत की। लेकिन मुगल बादशाहों का दौर खत्म होने के साथ साथ क्लासिकी मौसीकी के उस्तादों और रकासाओं के जिंदा रहने के इम्कान भी कम होते चले गए। फिर भी भारत में ये फन मुकम्मल तौर पर जिंदा है, जबकि पाकिस्तान में भी किसी न किसी फॉर्म में इसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैंने डांस कराची में ही सीखना शुरू किया था जब व्हेन आई वाज अबाउट 13 स्कूल के ज़माने में। कराची में एक कपल हुआ करता था मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम करके, और उन्होंने एक डांस स्कूल सेटअप किया हुआ था। इन लोगों को बुलाया था एक्चुअली सोहरवर्दी साहब ने मेरे ख्याल में 1956 में कैलकटा से, एंड दे हैड कम अप एंड सेट अ स्कूल इन कराची जो कि मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में वाज वन ऑफ इट्स काइंड। और वहाँ पे डांस के अलावा म्यूज़िक भी था, क्लासिकल म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल बोथ, योगा, पेंटिंग, थोड़ा बहुत ड्रामा की क्लासेस वगैरह भी हुआ करती थी। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हम लोग जब सीखते थे तो घनश्याम्स का अपना एक परफॉर्मिंग ट्रूपे भी था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस ज़माने में जब स्टेट गेस्ट्स वगैरह आया करते थे तो दे वर आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवनिंग ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांसेस। हमारे यहाँ क्लासिकी रक्स मौसीकी बहुत ही महदूद घरानों में सुनी और समझी जाती है, लेकिन जहाँ इसका रिवाज है वहाँ आज भी क्लासिकी फनकारों को बेपनाह इज्जत दी जाती है। शीमा किरमानी ने ना सिर्फ क्लासिकी डांस को जिंदा रखा है बल्कि मुल्क में बहुत से नए फनकारों को भी इंट्रोड्यूस किया है। कराची में उनके क्लासिकल म्यूजिक स्कूल में रोजाना स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्पेशली नौजवानों में जूं जूं कल्चरल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, क्लासिकल म्यूजिक और डांस का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। एक बहुत फेमस हिंदुस्तान के डांसर हुआ करते थे उदय शंकर, जो कि जिन्होंने रिवाइवल किया था क्लासिकल डांस का हिंदुस्तान में भी। तो उदय शंकर की जो स्टाइल थी वो उसमें ये था कि ही टुक द बेस्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स दैट वर। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कथकली से, थोड़ा बहुत कथक से, भरतनाट्यम से लेके एंड ही डिवेलप्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल। शीमा किरमानी ने अपने फन की इब्तिदा कराची में घनश्याम आर्ट सर्कल से की और वो घनश्याम को ही अपना गुरु मानती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भारत के मशहूर क्लासिकल उस्तादों से भी ट्रेनिंग हासिल की। जब मैंने सीखना शुरू किया था उस वक्त जो एटीट्यूड था, अब जो एटीट्यूड है, फॉर इंस्टेंस अब मैं सिखाती हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो पहले ये कभी भी नहीं था कि हमें अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ी। लड़कियाँ आती हैं, सीखती हैं, मगर जब परफॉर्मेंस की बात आती है कि अ लॉट ऑफ देम हैव
प्रॉब्लम्स कि कभी घर वाले नहीं इजाज़त देते, कभी इन लॉज नहीं इजाज़त देते। His friend Bihar tries to cheer him up and they go off in a boat down the river Indus. Thank you.
गला।